सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सब आपने इस अगर हम वर्ड्स के ऊपर गौर करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन दियर इज अ चेन ऑफ मालिक्यूल्स विच इज़ इन्वाल्व इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यही इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक मालिक्यूल्स एंड दीज मालिक्यूल्स मे बी सम स्पेसिफिक मालिक्यूल स्पेसिफिक एनजाइम्स तो इट इज़ द एक्चुअली दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द सीक्वेंस इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड द आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इसलिए अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे इट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एनजाइम्स विच आर इन्वाल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉन बाई द मेकानिज्म रिडक्शन प्रोसेस वट आर द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनिमल्स अच्छा एनिमल्स का इसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है कि प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होती है तो यहाँ बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनिमल्स तो एनिमल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेमब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के दो मैंब्रेन हैं आउटर मेब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड फॉर्म में मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मालिक्यूल्स हैं जो कैरियर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द इनर माइट्रोकॉन्ड मेम्ब्रेन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक आउटर स्मूथ है जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है जिसको अगर मैं इसको यूं ड्रा करूँ ये दिस पोर्शन ये इनर माइट्रोकॉन्ड मेम्ब्रेन के ऊपर जगह जगह इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ग्रुप्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मालिक्यूल्स मौजूद हैं आमतौर तो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इसका जो नंबर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कम्पलेक्सेस का वो वेरी करेगा डिफरेंट जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर इसका नंबर जो है वो वेरी करेगा जैसे अगर मैं इसमें ड्रा कर रहा हूँ तो ये इनर माइट्रोकॉन्ड्र मेम्ब्रेन के ऊपर जगह जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कम्प्लेक्स हैं वो मौजूद होंगे और हर एक कम्प्लेक्स अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली काम करेगा इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लोकेशन क्या इनर माइट्रोकॉन्ड्रल मेम्ब्रेन है और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती बल्कि एक माइट्रोक्रिया के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं और वो वक्फ़े वक्फे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ इनर माइट्रोकॉन्डल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है ये डायग्राम मैं ज़्यादा इसको एलेबोरेट करके दिखाया गया है ये जो बाहर है ये आउटर माइक्रोकॉन मेम्ब्रेन है जबकि इनर माइक्रोकॉन्डल मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास डिफरेंट ये जो आपको कॉम्प्लेक्सेस या मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली ये सारे मिलकर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करती क्या है या इसका पर्पज़ क्या है द पर्पज़ ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज़ टू ट्रांसफर टू मूव द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड वेन इट कैरीज यर ट्रांसपोर्ट द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इट हारवेस्ट द एनर्जी फ्राम द इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बेनिफिट है इसका जो पर्पज़ है सेल को वह है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से मूव करवाया जाएगा और जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से तो उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मालिक्यूल्स और फिर वो एनर्जी सेल जो है अपने डिफरेंट पर्पस के लिए उसको आगे यूज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बेसिक पर्पस क्या होगा कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हार्वेस्ट करना और आगे सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि ये क्या करता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन आइन्स होते हैं उसको पंप आउट करती है ये एनर्जी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी तो वाट आर द कम्पोनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बेसिक कंपोनेंट्स में देखिए इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स हैं एनजाइम्स हैं इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो इनआरगेनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं ठीक है या हमारे पास चाहे वो सबसे पहला इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है एन ए डी एच डिहाइड्रोजनज या एन ए डी डी डीहाइड्रोजनीस बोलते हैं इसको सेकेंड वन इज द फ्लेवो प्रोटीन्स फ्लेवो प्रोटीन दो तरह की हैं जो पाई जाती हैं एक एफ है और एक एफ एम एन है ये दो तरह की फ्लेवो प्रोटीन जो है वो अच्छा फ्लेवो प्रोटीन इसलिए कहते हैं इसके फ्लेवन फ्लेवन ग्रुप जो है इसके अंदर पाया जाते हैं प्रोटीन के साथ यूबिक्यूनोन यूबिक्यून भी एक ख़ास किस्म के मालिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करते हैं साइटोक्रोम साइटोक्रोम्स प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर आयरन मौजूद होता है जिससे ये क्या करते हैं साइटोक्रोम जो है वो ये आयरन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं इससे आयरन सल्फर प्रोटीन्स आयरन सल्फर प्रोटीन जो हैं ये बेसिकली जो है ये, ये यानी कि साइटोक्रोम्स के अलावा हैं इनके अंदर एफ ई एस आयरन और सल्फर दोनों चीज़ें जो हैं है किट्ठी एक कम्पलेक्स की फॉर्म में पाई जाती हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट्स हैं इन सब का बेसिक एक ही मकसद है कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना और आगे दे देना जब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे तो इसकी आमतौर तो पर जो होती है वो रिडक्शन हो जाती है और जब ये आगे दे ले जाएंगे तो फिर क्या होगा इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है जिससे मालिक्यूल्स क्या करते हैं आगे को जो सर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो आगे की तरफ जो मूव करके चले जाते हैं